चीज़ है। भाई आप दोनों ने भाईजान की इतनी मदद की है और ये साबित किया है कि आप दोनों उनके लिए कितने वफादार हैं। भाईजान आपसे बहुत खुश हैं। अरे जनाब ये तो हमारी खुशकिस्मती है। कोई बात नहीं। भाईजान को अपनी तंदुरुस्ती बनाने दीजिए, खाइए खाइए। और मोहतरमा आप, हाँ माशाल्लाह वैसे ही तंदुरुस्त है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जैसे समुंदर में दो बूंद पानी और सही। खाइए खाइए। शुक्रिया शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह। ये ऐनक तोड़ने की सजा है बेवकूफों। लेकिन अफसोस, आप दोनों भाईजान के वफादार तो बन गए लेकिन खास नहीं बन पाए। मतलब जुनैद मियां एक बात बताइए। जी पूछिए। हम वजीर आला के खास कैसे बन सकते हैं? अरे करीबी बनने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिसमें भाईजान खुद आपको अपना करीबी बना लें। मसलन? मसलन आपको कुर्बानी देनी होगी। आजादी। माफी चाहूंगा लेकिन भाईजान सिर्फ उन्हीं को कुर्बानी नहीं देनी बल्कि आपको भी कुर्बानी देनी है। भाई भाई भाई। इन्हें अपनी चोटी की और आपको अपनी टोपी की। क्या कहा जनाब? आप इस मोती की चोटी ले जाइए लेकिन मैं अपनी पगड़ी हरगिज नहीं दूंगा। ये मेरे खानदान की शान है, रुस्तम बगदाद की शान है। अरे चुप रहो, इतनी नन्ही सी जान और इतनी बड़ी शान, पगड़ी तो देनी पड़ेगी। माफी। दोनों का तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत काम है, जल्दी कुछ करता हूँ। चूहा है बारी, बिल्ली है तगड़ी, हाथ में आ जाए चोटी और पकड़ी। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, ऐसे होते हैं सच्चे बेकार, मेरा मतलब है वफादार। वाह। आका ये तोहफा देख के आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, अब आएगा मजा। हमारे चांद, हमारे सूरज, हमारे जिगर के छल्ले, इस मर्तबा क्या चमके हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया आका, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए, जैसे हम राज कायनात की तरफ बढ़ेंगे कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हमारे मिर्ची के हलवे, माशाल्लाह। लाल चांद की रात 500 साल में एक मर्तबा आती है, जब लाल चांद की लाल रोशनी हमारे सोन मीनार पर पड़ेगी तो हमारा राज कायनात का पूरा सफर मुकम्मल होगा। आका, आप राज कायनात का पहला दरवाजा खोलने को तैयार हैं? बेशक। चलिए। कहाँ? उस जगह जहाँ आप पहले दरवाजे में दाखिल होंगे। वजीर आला ने पत्थर गिरने की आवाज तो नहीं सुन ली?
काका को तो शहजादी के पीछे आना ही था। अच्छा हुआ हम पहले आ गए, इन्हें हमारे मदद की जरूरत पड़ सकती है। रात के दिन हम चाहते हैं इस मर्तबा तुम सोन मीनार के इर्द गिर्द ऐसा जादू करो कि कोई इंसान, कोई पंछी, यहां तक कि कोई रूह भी वहां ना पहुंच सके। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया आका। झुमरू, आज की रात बहुत अहम है। आज हमें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। हम तो तैयार है चचा, पर आका कहाँ है? शहजादी सोन मीनार के अंदर जाने ही वाली है, वो भी अकेले। आका कहाँ रह गए? आका, नकचड़ी बेटी की तुम, नकचड़ी अंदर पहुंच गई। कान खोल के सुन ले, रू पंछी इंसान बंदर कोई ना आ सके इस सोन मीनार के अंदर। अब तुम एक और जादू करो। क्या मेरे आका? ऐसा जादू कि कोई इस सोन मीनार में अंदर आने की कोशिश करे तो वो नहीं, इसी सोन मीनार में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाए। पर आका, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। मेरा जादू है पक्का, इंतजाम है मुस्तैद, लेकिन अगर फिर भी कोई आ जाए तो हो जाए सोन मीनार में कैद। ये लाल रोशनी कहां से आ रही है? ये रोशनी कैसी? इसका मतलब सोन मीनार में कुछ तो हो रहा है, और नक्षड़ भी वहीं पे। नक्षड़ की जान खतरे में। आका, सभी इंतजामात हो गए हैं, अब बस जैसे ही हम इस टोपी और चोटी की कुर्बानी देंगे, उसके बाद राज कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है, हमें उसका रास्ता मिल जाएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। पर हम ये कुर्बानी देंगे कैसे? आका, इस एक शमा में आपको अपने खून के कतरे की कुर्बानी देनी होगी। ये लीजिए आका। मार
तुम्हारी कुर्बानी नहीं चलेगी। मेरी कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैंने राज़े कायनात की पूरी किताब पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसे राज़े कायनात तक पहुंचना है वही कुर्बानी देगा। अब ख्वाब आपने देखा तो हैप्पी का खून लगेगा ना। आका, और एक बार आपने ये कुर्बानी दे दी, ये टोपी छोटी राख में तब्दील हो जाएगी। और इसका राख में तब्दील होना मतलब क्या? जिसका मतलब कि काली ताकतों ने आपकी कुर्बानी कबूल की, और एक बार आपकी कुर्बानी कबूल हो गई तो राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए जो पहला दरवाजा है उसका रास्ता भी खुल जाएगा। आपके जन, तुम अब हमारी सबर का इम्तिहान ले रहे हो, चलो जल्दी करो ये सब। जो हुक्म मेरे आका। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वजीर आला ने हमारे अब्बू की याद में हमें तोहफा देने के लिए पूरी बगदाद की तरक्की के लिए इतनी अजीब सी जगह बनवा रहे थे। हमारा शक और बढ़ता जा रहा है, वजीर आला का इरादा कुछ और ही है। नक्चड़ी अंदर है और अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा है, हमें कैसे भी करके अंदर जाना होगा। हाँ। कोई तरकीब सोचो। हाँ। सोचते हैं। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आज जफर का सच नक्चड़ी के सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ। आका, एक रास्ता है। गाजर के हलवे, क्या तुम खुशी के मारे कूद रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आका? बिल्कुल है। इसका मतलब यानी जमीन इसलिए हिल रही है क्योंकि हमारी कुर्बानी कबूल हुई। रास्ता खुलने वाला है चिराग के दिन, और हम राज़े कायनात तक पहुंचने वाले पहले दरवाजे में दाखिल होने वाले हैं। बेहतरीन। Thank you.
आका का दिलो चेहरा, सोन मीनार पर मेरा पहरा हो और भी गहरा। जो जमीन के अंदर से होते हुए सोन मीनार तक पहुंचेगी। इससे हम सोन मीनार के चारों तरफ हुए जादू से भी बच जाएंगे और शहजादी तक भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद शहजादी को उनके सच तक पहुंचा देंगे। ठीक है चाचा, तैयार? तैयार। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें एक लड़की, हमारा मतलब लकड़ी का फावड़ा बन जाते हैं। आप उससे सुरंग खोद लीजिएगा, झटका नहीं लगेगा। जमरू, आका का दिल है प्यारा और जफर का दिल है प्यार से खाली, बना दे हमें एक लकड़ी का फावड़ा। उठ जा। आका, मैं सुरंग नहीं खोद पा रहा हूँ। अब जल्दी से फावड़े को रखो, नहीं तो चाचा हमेशा के लिए फावड़ा बन जाएंगे। हाँ हाँ। जमरू, चुप। और यहाँ से उस पार जाने का रास्ता ढूंढो। मेरा शक सही था, नक्चड़ी अंदर फंसी हुई है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कैसे भी करके मुझे इसके पार जाना होगा। कायनात तक पहुंचने के लिए हम पहले दरवाजे तक पहुंच गए। पहला दरवाजा। आका, हम इस दरवाजे की कुंडी खड़का के भाग जाएं? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था।
कुंडी खड़कानी है तो किसी पड़ोसी की खड़कानी है ना। ये तो राज कायनात तक पहुंचने का पहला दरवाजा है। माशाल्लाह। मंजिल का बरसों से ख्वाब देखा था, अब हाथ बढ़ा के ख्वाब को थामने का वक्त आ गया है।